देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी पर शुरू हुआ स्काई डाइविंग इवेंट, हवा में गोते लगाने के लिए 50 लोगों ने करवाई बुकिंग। देश में केवल हरियाणा प्रदेश में आयोजित होने वाला स्काई डाइविंग इवेंट अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। यहां प्रदेश के दो शहरों को चुना गया है। राजधानी भोपाल में 1 और 2 मार्च को यह इवेंट आयोजित हुआ। 3 मार्च से उज्जैन में शुरू हुआ यह स्काई डाइविंग इवेंट 6 मार्च तक चलेगा। गुरुवार को देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी में लोग स्काई डाइविंग करते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 दिन का इवेंट रहेगा। यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में भी हरियाणा की एजेंसी द्वारा यह इवेंट करवाया जा रहा है। एमपी टूरिज्म बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस इवेंट की शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहां एडवांस में 50 बुकिंग हो चुकी है। यहां शामिल होने आए लोग काफी उत्साहित दिखे। कई लोगों ने तो 10 दिन पहले बुकिंग करवाई थी। क्या बात है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी एडवेंचरस एक्टिविटी है। यूजुअली ये हर जगह नहीं करने को मिलता है हमको। इसी चीज़ के लिए हमको बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। ये हमें इंदौर में ही मिल रही है, उज्जैन में मिल रही है। ये इट्स वंडरफुल। आपने क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जब हम ऊपर जाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है बहुत अच्छा। देन उसके बाद हमारा एक फ्री फ्लो होता है, फॉल डाउन होता है, वो फॉल बहुत अच्छा था। वहाँ पे 360 डिग्री का एक ट्विस्ट होता है एंड बैक फ्लिप्स होती हैं। उसके बाद पैराशूट ओपन होता है और पैराशूट ओपन होने के बाद हम धीरे धीरे नीचे आते हैं। कब स्लॉट कब बुक किया था आपने? मैंने 10 दिन पहले बुक कर लिया था। जैसे ही मुझे पता चला था कि एमपी टूरिज्म ये इवेंट हमारे एमपी में करवा रही है, तभी मैंने बुक कर लिया था। मैं इंदौर से हूँ, मेरा नाम अभिलाषा श्रीवास्तव है। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वहाँ से। लेकिन जो हमारे मेंटर्स रहते हैं, गाइड रहते हैं, वो बहुत अच्छे से हमें हेल्प करते हैं। कहीं से भी कोई डर नहीं रहता है, बहुत अच्छा लगता है।